सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कारोसिएस्ट। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ प्रीमियम सेगमेंट की एक सबसे लेटेस्टली अपडेटेड कार ह्यूंडई i20। ठीक है, ये कार अपनी सबसे ज़्यादा स्पोर्टीनेस प्लस इसी प्रीमियमनेस के लिए जानी जाती है। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन ह्यूंडई i20 थी, तब से जो ह्यूंडई है इसके अंदर काफ़ी स्पोर्टी और पंची इंजन दे रहा है। अभी भी ह्यूंडई ने इसके अंदर इंजन ऑप्शन की कोई कमी नहीं छोड़ी है। अभी इसके अंदर हमें तीन इंजन मिलते हैं, ठीक है, एक पेट्रोल, एक डीजल और एक टर्बो GDI पेट्रोल इंजन मिलता है। उसके साथ हमें इसके अंदर चार गेयरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं, 5-speed manual, 6-speed manual, 7-speed CVT और एक हमें IMT का जो गेयरबॉक्स ऑप्शन ह्यूंडई ने इंट्रोड्यूस किया है वो भी इसके अंदर मिल जाता है। ठीक है, काफ़ी फीचर लोडेड ये कार है। इसके अंदर हमें जो सेगमेंट लीडिंग फीचर है जैसे कि सनरूफ मिल जाती है, एक एम्बिएंट लाइट मिल जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो i20 है इसके अंदर काफ़ी कट्स एंड क्रीसेस दिए गए हैं जो कि इसका एग्रेसिव लुक जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, बात करें प्राइसिंग की तो i20 का जो बेस वेरियंट है उसकी प्राइस चालू होती है 6,80,000 से एक्स शोरूम, और जो टॉप वेरियंट है उसकी प्राइस जाती है 11,33,000 एक्स शोरूम। ठीक है, तो अब आप थोड़े से सिनेमेटिक शॉट्स देखकर उसके बाद फिर हम जो है वॉक अराउंड रिव्यू उसको स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। आज जो अपनी i20 चल रही थी, ठीक है, सबसे पहले से बात करते हैं सेंट्रल ग्रिल की। तो जो ग्रिल है वो ह्यूंडई की जो नई डिज़ाइन लैंग्वेज है कि बिग ग्रिल्स और सिंगल ग्रिल्स पे ह्यूंडई आजकल काम कर रहा था उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े एयरडैम्स है, रेडिएटर क्लियरली सेंटर के अंदर हमें यहाँ पर ह्यूंडई का लोगो मिल रहा है। इधर की तरफ नंबर प्लेट की स्पेसिंग है, नीचे की तरफ ये मतलब एक स्पोर्टी अपील जो i20 सबसे ज़्यादा जानी जाती है, एक स्पोर्टी लुक और स्पोर्टी इंजन के लिए, तो उसके लिए स्पोर्टी अपील के लिए यहाँ पे नीचे ब्लैक कलर का ये ट्रीटमेंट दिया गया है जो काफ़ी लुक को एनहेंस और एग्रेसिव लुक बना देता है i20 का। ठीक है, इधर की तरफ बात करें तो यहाँ पे हमें जो टोइंग हुक के कार का वो मिल जाता है। ठीक है, टोइंग हुक ये रहा। उसके बाद अगर बात करते हैं हेडलाइट्स की, तो हेडलाइट्स में हमें ये पूरा जो है जो ईगल शेप इसका अपना एग्रेसिव एक DRL मिल जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पे LED प्रोजेक्टर मिल जाता है, लेकिन ये जो है हमारा इंडिकेटर ये हमें हेलोजन मिलता है। नीचे की तरफ अगर फॉग लैंप की बात करें, फॉग लैंप में भी हमें प्रोजेक्टर मिलता है। उसके साथ यहाँ में हमें वर्किंग फंक्शनल एकदम जो एयर कर्टेंस है वो मिलते हैं जो व्हील की तरफ हमें स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, ये एयरोडायनेमिक्स के उसके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो इसका जो एयर कंटेंट है ये फंक्शनल है, कोई भी फेक स्टप इसके अंदर नहीं किया गया है ह्यूंडई की तरफ से। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर बोनट वगैरह की, तो काफ़ी शार्प कट्स एंड क्रीसेस जो है वो हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं जो कि एक एग्रेसिव लुक को और ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर चलते हैं हम साइड प्रोफाइल की बात करें, ठीक है, तो साइड्स के अंदर भी वही जो अपनी एग्रेसिव डिज़ाइन है वो कंटिन्यू की, काफ़ी शार्प कट्स एंड क्रीसेस पूरी गाड़ी के ऊपर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करें अगर व्हील्स की, ठीक है, तो व्हील्स के अंदर जो है हमें 16 inches के व्हील्स मिलते हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये टॉप मॉडल है, इसके नीचे की तरफ हमें स्टील रिम्स भी देखने को मिलते हैं। स्टील रिम्स भी अब ह्यूंडई जो है बहुत शार्प मतलब स्मार्टली डिज़ाइन करता है, उसके अंदर वो व्हील कैप्स ऐसे देता है कि हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि अलॉय व्हील्स हैं। ठीक है, वो भी अगर कभी अपन इसका नीचे वाला वेरियंट जो है वो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा। अगर बात करें इसकी व्हील की प्रोफाइल की, तो इसमें हमें मिलता है 195/55R16। ठीक है, जो व्हील है वो हमें ह्यूंडई की तरफ से सीएट के मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ह्यूंडई का लोगो सेंटर में, फ्रंट वही वापस हमें इसके अंदर डिस्क मिलते हैं, पीछे की तरफ हमें मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलें थोड़ा सा इधर की तरफ, तो नीचे की तरफ हमें बॉडी क्लैडिंग मिलती है, उसके साथ यहाँ पे हमें i20 की बैजिंग मिलती है। इसके अंदर इतनी सारी i20 की बैजिंग है कि मैं आपको क्या बताऊँ, देखो एक इधर ही सेम उधर की तरफ है। उसके साथ अगर बात करें यहाँ पे, तो जो हेडलाइट्स है इसके अंदर भी हमें i20 की एक बैजिंग मिल जाती है। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें ORVMs की, तो ORVMs के अंदर यहाँ पे हमें नीचे की तरफ जो है पडल लैम्प मिल जाता है जो वेलकम करता है। अगर मतलब रात के टाइम पे आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं तो लाइट चल जाती है, तो आपका नीचे का जितना भी एरिया है वो आप आराम से देखते हैं। काफ़ी स्मार्ट फीचर और काफ़ी अच्छा फीचर है, बहुत यूज़फुल भी है, और जो इसकी सेगमेंट है उसके अंदर कोई भी और कार इसको ऑफर नहीं करती, तो ये प्लस पॉइंट I20 के लिए बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे हमें LED जो है इंडिकेटर्स मिल जाते हैं ORVM पे, बॉडी कलर्ड ORVMs अपर हाफ में मिलते हैं, नीचे की तरफ वो जो ब्लैकड आउट ट्रीटमेंट के साथ मिलते हैं। ठीक है, काफ़ी वाइड और मतलब बढ़िया लुकिंग के जो है हमारे ORVMs भी हैं। उसके साथ बात करें अगर जो है डोर हैंडल्स की, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्रोम फिनिश मिलती है डोर हैंडल्स में। उसके साथ यहाँ पे हमें पैसिव एंट्री का बटन मिलता है। ठीक है, और Hyundai किया की तरह इस कार के, Hyundai किया की सारी कार्स की तरह इस कार के अंदर भी हमें सिर्फ ड्राइवर साइड ही जो पैसिव एंट्री का बटन है वो मिलता है। ठीक है, बात करें बी पिलर की, तो यहाँ पे हमें ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है मैट फिनिश के अंदर। विंडो गार्निश के अंदर जो लोअर एरिया है यहाँ पे हमें क्रोम की लाइन मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पे वही शार्प जो कट्स एंड क्रीसेस है वो कंटिन्यू है पीछे तक। ठीक है, इस बार बात करें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें एक क्वार्टर पैनल में ग्लास मिल जाता है जो कि पहला I20 में नहीं था, ये नया एडिशन है। ठीक है सर, यहाँ पे हमें ये क्रोम जो है पूरा एकदम शार्पली यहाँ तक मिल जाता है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है उसके, मतलब ये मतलब लुक को एनहेंस करने के लिए है। ठीक है, ये यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कार्स के अंदर आता है वैसे यहाँ पे कट्स भी दिए गए हैं इसके ऊपर। ठीक है, अगर एक और I20 की बैजिंग की बात करें तो यहाँ लाइट के अंदर भी हमें I20 की बैजिंग मिल रही है। ठीक है, जो टेल लैम्प है वो जेड शेप्ड है, तो ये पूरा यूँ चलता है, और ये पूरा LED है, और उसके साथ जो हमारा इंडिकेटर और रिवर्स लाइट है वो यहाँ के ऊपर हेलोजन ही है। यहाँ पे पूरा एक जो है रियर जो दोनों टेल लैम्प्स उनको कनेक्ट करती हुई हमें एक क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है, उसके ऊपर हमें पियानो बैक फिनिश, और उसके बीच हमें Hyundai का लोगो। ऊपर की तरफ बात करते हैं यहाँ पे हमें हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाता है, और जो रियर विंडशील्ड है उस पर हमें डिफॉगर मिलता है, प्लस उसके साथ हमें वाइपर मिल जाता है। ठीक है, और जो बात करें अगर एंटीना की, तो इसके ऊपर हमें शार्क फिन एंटीना मिलता है जो कि वाइट कलर में है, ब्लैक कलर ट्रीटमेंट के ऊपर ये नहीं है। ठीक है, नीचे की तरफ अगर बात करें तो जो बम्पर है उसके ऊपर हमें दो पार्किंग सेंसर मिलते हैं जो कि जिसको हम एक कॉस्ट कटिंग कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर चार होते तो और भी बढ़िया होता, ये थोड़ा सा Hyundai की तरफ से कॉस्ट कटिंग की गई है। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें नीचे की तरफ वापस हुई स्पोर्टी अपील के लिए ब्लैक कलर का ये ट्रीटमेंट दिया गया है। इधर की तरफ हमें जो है रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे हमें I20 की बैजिंग, यहाँ पे एस्टा की बैजिंग, यहाँ पे मतलब ऑप्शनल वगैरह कुछ नहीं, केवल जो वेरिएंट है वो ही दिया गया है। ठीक है, ये टॉप मॉडल है, एस्टा ऑप्शनल। ठीक है, अब एक बार हम बूट की बात करते हैं। सबसे पहले तो बूट की जो स्पेस है वो भी मतलब ठीक ठाक है, 311 लीटर का बूट इसके अंदर हमें मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें बोस का जो स्पीकर सिस्टम है उसका यहाँ पे बेस ट्यूब वगैरह मिल जाती है। इसके अंदर काफ़ी प्रीमियम स्पीकर्स हैं, वो मैं आपको अभी अंदर चल के बात करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जो लोडिंग लिप है कुछ हाई है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी बूट स्पेस जो डिसेंट है इस सेगमेंट के अकॉर्डिंगली, जो बूट स्पेस है काफ़ी डिसेंट बूट स्पेस है। ठीक है, अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और बात करते हैं बैठक की, जो रियर सीट स्पेस है उसकी। ठीक है, तो रियर, सबसे पहले अगर हम बात करें रियर डोर्स की, उसके बाद एक चीज़ और, ये जो हमारा फ्यूल लीड है वो हमें यहाँ पे दी गई है। काफ़ी स्मार्टली Hyundai ने जो है इस फ्यूल लीड को इंटीग्रेट किया है टेल लैम्प्स के अंदर। ठीक है, ये ऐसे ओपन हो जाता है, यहाँ पे हमें डीजल, ये पर्टिकुलर वेरिएंट डीजल, तो यहाँ पे डीजल का बाकी पेट्रोल वगैरह सब है। ठीक है, एक बार अंदर चलते हैं, पहले डोर्स की बात कर लेते हैं। तो डोर्स जो है वो भी वाइडली ओपन होते हैं। अगर बिल्ड क्वालिटी वगैरह की बात करें तो ठीक है, बिल्ड क्वालिटी डोर्स के अंदर जो वेट है वो तो ठीक ठाक है। ठीक है, उसके बाद बात करें क्वालिटी की, तो थोड़ी सी यहाँ पे Hyundai की तरफ से हार्ड प्लास्टिक्स दिए गए हैं, तो मतलब क्वालिटी जो बिल्ड प्रीमियमनेस है वो थोड़ी सी कैबिन की चली जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें डोर ओपनर्स मिलते हैं, उसके साथ यहाँ पे लॉक अनलॉक का सिस्टम है, यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, उसके साथ यहाँ पे हमें डोर जो है हैंडल मिल रहा है। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ सिल्वर ट्रीटमेंट मिल जाता है। यहाँ पे बोस के स्पीकर और उसकी बैजिंग है। यहाँ पे हमें डोर पॉकेट्स मिलते हैं जिसके अंदर आप आराम से 1 लीटर की जो बॉटल है वो तो आराम से रख ही सकते हैं। ठीक, अंदर की तरफ चलते हैं। अगर रियर सीट की बात करें सबसे पहले, तो मैं एक बार अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, तो अगर रियर सीट स्पेस की बात करें तो जो सीट का लेग रूम है वो काफ़ी अच्छा है, नी रूम भी अच्छा है। ठीक है, जो फ्रंट सीट है उसके अंदर कोई भी स्कूप्ड आउट सीट बैक नहीं है। ठीक है, अंदर टाई सपोर्ट भी मतलब ठीक ठाक है, इतना कुछ खास अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर कुशनिंग की बात करें तो काफ़ी ठीक कुशनिंग है, थोड़ी सी सिटिंग जो है वो लोअर है, तो थोड़ा सा जो रियर पैसेंजर है उनको दिक्कत हो सकती है। अगर बात करें हेड रूम की, ठीक है, तो काफ़ी सफिशिएंट हेड रूम इसके अंदर हमें मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें जो हैंडल वगैरह है, तो यहाँ पे हैंडल मिलता है, जैसे कोई भी कोट हुक इधर की तरफ नहीं मिलता, नहीं इधर की हमें जो है डोर हैंडल पर से एक जो कोट हुक है वो इस वाली साइड में हमें मिल जाता है। ठीक है, अगर बात करें सेंटर की, तो सेंटर के अंदर हमें यहाँ पे जो है AC वेंट्स मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस फ़ोन वगैरह रखने के लिए, उसके साथ एक हमें USB चार्जिंग पोर्ट जो है वो मिल जाता है। ठीक है, बात करें पीछे सीट की तरफ, तो सीट के ऊपर हमें दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, सेंटर में कोई भी हेडरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन सेंटर में हमें जो है आर्म रेस्ट जो है वो ज़रूर
मिल जाता है, ठीक है। वो मैं एक बार आपको खोल के बता देता हूँ। इस आर्मरेस्ट के ऊपर कोई भी हमें कप होल्डर वगैरह नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये कप होल्डर ज़रूर हो सकता था, ये थोड़ा सा एक एडिशन हो सकता है i20 के अंदर, ठीक है। उसके साथ हमें यहाँ पे आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स जो है वो मिल जाते हैं सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। तीन जने आराम से कंफर्टेबली बैठ तो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा जो है शोल्डर वगैरह रब हो सकते हैं, ठीक है। सेंटर के अंदर हमें यहाँ पे एक लाइट जो है वो मिल जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, और आगे की तरफ जो सेंटर कॉन्सोल है उसकी बात करते हैं। पीछे से जो i20 का सेंटर कॉन्सोल है काफ़ी प्रीमियम दिखता है, ठीक है। जो प्रीमियमनेस है i20 की स्टार्टिंग से वो अभी तक कहीं पे भी नहीं गई है, ना तो प्रीमियमनेस गई है ना स्पोर्टीनेस गई है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कैसे जो i20 वो बलिनो वगैरह से अभी भी बहुत बढ़िया प्रीमियम है। एक चीज़ और अगर मैं आपको यहीं से बता दूँ तो जो हमारी सीट बेल्ट है वो हमें हाइट एडजस्टेबल मिलती है, हम यहाँ से हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे की तरफ, और सबसे पहले अगर हम बात करें इंजन ऑप्शंस की तो Hyundai ने हमें खूब सारे इंजन ऑप्शंस जो है वो इसके अंदर दिए हमें। इसके अंदर तीन इंजन मिलते हैं, एक है 1 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि जनरेट करता है अपनी 88 PS की पावर, ठीक है, 115 ऑफ टॉर्क पे, ठीक है। जो डीजल इंजन है वो जनरेट करता है अपनी 100 PS की पावर, 240 Nm ऑफ टॉर्क पर। एक आता है GDI टर्बो पेट्रोल इंजन, ठीक है, वो जनरेट करता है अपनी 150 Nm मतलब BHP की पावर एट 171 Nm ऑफ टॉर्क पे, ठीक है। प्राइसिंग वगैरह की बात हम पहले ही कर चुके हैं, और एक बार मैं आपको सबसे पहले इसकी की वगैरह बता देता हूँ, ठीक है। तो एक सेकंड मैं आपको की बताता हूँ सबसे पहले। तो कुछ इस टाइप की जो है Hyundai की हमें i20 की देखने को मिलती है। इसके अंदर लॉक अनलॉक प्लस जो होल्ड बटन है इससे हमारी जो बूट है वो अनलॉक हो जाती है, प्लस एक और आपको होल्ड का बटन दिख रहा हो, ये बटन है अगर आप पार्किंग वगैरह के अंदर हैं और आपको अपनी कार नहीं मिल रही, तो अगर आप इस बटन को होल्ड करके रहते तो जो अपनी कार है वो हॉन्क करने लग जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि पर्टिकुलरली आपकी कार कहाँ पर पड़ी है, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहले जो ये MID है इसकी, सॉरी इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर इसकी, तो इसके अंदर हमें 20 inches का जो है इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी स्लीक है और इजी टू यूज़ है, ठीक है। इसके अंदर हमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले प्लस जो Hyundai की कनेक्टेड कार टैग है, ब्लू लिंक एप्लीकेशन वो मिल जाती है, मैप नेविगेशन कॉल वगैरह सारी चीज़ें हमें इसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। उसके साथ अगर बात करें इसके जो साउंड स्पीकर है काफ़ी बढ़िया म्यूजिक सिस्टम जो है Hyundai ने इसके अंदर दिया है। अगर आप इन स्पीकर्स का आउटपुट देखना चाहते हैं तो मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जो अपना carosiast है उसके इंस्टाग्राम के ऊपर इसके पूरे एक सॉन्ग की IGTV वीडियो डाली है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर इसकी, तो जो कंटिन्यूसली रनिंग टाइप का इफेक्ट दिया गया है AC वेंट्स के अंदर, यहाँ पे 2 AC वेंट्स, यहाँ पर एक AC वेंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये कंटिन्यू चलता है, और जो लास्ट वाला AC वेंट है वो ये रहा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस ये कंटिन्यूस इफेक्ट दिया गया है एक, ठीक है। यहाँ पे हमें 1000 लाइट स्विच मिल जाता है। उसके अलावा ये स्लीक सिस्टम के बारे में अपन बात कर चुके हैं, इसके अंदर काफ़ी लोडेड है ये सिस्टम, ऐसा नहीं है कि मतलब एरा गैरा, क्योंकि Hyundai से खूब ज़्यादा मतलब मारुति सुजुकी वगैरह से खूब ज़्यादा लोडेड ये सिस्टम यहाँ पे, और काफ़ी स्लीक भी है, ठीक है। इधर नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पे हमें पूरा जो AC का कंट्रोल है वो देखने को मिलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC इसके अंदर हमें मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमें 12 volts का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, यहाँ पे एक USB, और प्लस यहाँ पे भी हमें एक फास्ट चार्जिंग का USB का पोर्ट मिलता है। उसके साथ यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें जो वायरलेस चार्जिंग पैड है वो देखने को मिल जाता है। उसके साथ इस पर्टिकुलर वेरियंट में हमें 6-speed का जो मैनुअल गेयर बॉक्स वो मिलता है। i20 के अंदर गेयर बॉक्स की भी कोई कमी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर हमें 4 options मिलते हैं, एक 5-speed मैनुअल, एक 6-speed मैनुअल, प्लस एक हमें 7-speed का CVT गेयर बॉक्स मिलता है, और एक उसके साथ हमें जो Hyundai का IMT गेयर बॉक्स है वो देखने को मिलता है। ये मतलब IMT के अंदर क्या होता है कि क्लच नहीं होता, लेकिन जो मैनुअल गियर है वो आप ऐसे भी स्विच कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पे हमें ट्विन कप होल्डर्स मिलते हैं, उसके अंदर एक जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर हमें ये एयर प्योरीफायर मिल जाता है Hyundai की तरफ से, ठीक है, जो कि Hyundai की आजकल बहुत ज़्यादा अपनी कार्स में दे रहा है। उसके साथ यहाँ पे हमें एक आर्मरेस्ट मिलता है, आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज स्पेस की बात करें तो मतलब इतना कुछ खास डीप स्टोरेज है नहीं आर्मरेस्ट के अंदर, है ना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स मतलब ठीक ठाक स्पेस है इसके अंदर भी, है ना। उसके बाद बात करें जो क्वालिटी की, तो क्वालिटी में जरूर Hyundai ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक्स वगैरह जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है। बात करें सबसे पहले सन वाइजर्स की, तो इधर की तरफ कोई भी मिरर वगैरह नहीं मिलता है ड्राइवर साइड में। अगर पैसेंजर साइड में बात करें तो यहाँ पर हमें एक मिरर मिल जाता है, उसके ऊपर कोई कवर या फिर कोई लाइट वगैरह नहीं है, ठीक। सेंटर में बात करें तो यहाँ पर हमें एक जो है सनग्लास होल्डर मिल जाता है, काफ़ी प्रीमियम इसकी भी क्वालिटी लगती है, अंदर कुशनिंग वगैरह सब की गई है। यहाँ पे हमें 2 lights मिल जाती है, उसके साथ यहाँ पे हमें जो सनरूफ है उसके कंट्रोल मिल जाता है, एक्स्ट्रा ऑप्शनल है, तो इसके अंदर हमें सनरूफ भी मिल जाता है, जो कि इसकी सेगमेंट का एक काफ़ी मतलब सेगमेंट लीडिंग फीचर हम कह सकते हैं। एक बार मैं आपको सनरूफ खोल के बता देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पे सनरूफ केवल इतनी खुलती है, फिर उसके बाद आपको इतनी और खोलनी पड़ती है, काफ़ी वाइड ये सनरूफ है, मतलब ठीक है इसकी सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी ठीक सनरूफ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सनरूफ को बंद करें तो जो सन ब्लाइंड है उसको हमें मैन्युअली ही बंद करना पड़ता है, वो वापस इसके साथ नहीं आता, ठीक है।
सनरूफ वगैरह की बात होगी। अब अगर बात करें हम MID वगैरह की, तो इसके अंदर हमें सेम वरना जैसी डिजिटल जो है MID है वो मिलती है। एक बार मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है, ये MID वगैरह हो गई पूरी। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे की तरफ, तो यहाँ पे हमें स्टेयरिंग मिलता है। एक बार ये गाड़ी, हाँ ठीक है गाड़ी, अरे ठीक है, स्टेरिंग की अगर बात करें तो स्टेरिंग के ऊपर इधर की तरफ हमें क्रूज़ कंट्रोल वगैरह का कंट्रोल मिलता है पूरा। इधर की तरफ हमें वॉइस कमांड प्लस जो कॉल डिक्लाइन और एक्सेप्ट करने के कंट्रोल्स वगैरह प्लस वॉइस के जो कंट्रोल्स वो मिल जाते हैं। सेंटर में हमें Hyundai का लोगो, उसके साथ लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील है। क्रेटा से मिलता जुलता स्टेयरिंग व्हील, क्रेटा के अंदर यहाँ पे हमें जो है डी कट मिल जाता है, इसके अंदर पूरा हमें गोल ही मिलता है, ठीक है। उसके साथ बात करते हैं सबसे पहले हम डोर वगैरह की, ठीक है। तो इधर की तरफ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताना भूल गया था पहले। इधर की तरफ हमें यहाँ पे जो रियर व्यू मॉनिटर है उसका बटन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन मिलता है, प्लस हेडलाइट लेवलर है। डोर के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें जो है वो ORVMs को कंट्रोल करने के सारे कंट्रोल्स प्लस पावर विंडोज़ मिल जाती है, ठीक है। डोर को ओपन करूँ मैं तो यहाँ पे हमें जो है बोतल होल्डर और डोर पॉकेट्स मिल जाते हैं। और इन सब के अंदर हमें एक फीचर और मिलता है i20 के अंदर, जो कि है एम्बिएंट लाइट। इसके अंदर सिंगल कलर ब्लू टोन के अंदर एक एम्बिएंट लाइट आती है, वो अभी दिन के टाइम पर इतनी दिख नहीं सकती। बाकी अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लूइश वो आ रहा है, वो एम्बिएंट लाइट्स के कारण है, प्लस वो डोर पॉकेट्स के अंदर भी है, ठीक है। तो लगभग हम कार के ऊपर सारी बात कर चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस और देखनी है, तो मैंने i20 के अंदर पूरी प्लेलिस्ट ऐड करी है अपनी वीडियोस की। प्लस अगर आपको मेरी जो रिव्यूइंग है वो अच्छी लगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।